पीडीएम गवर्नमेंट ने एक स्टैंड लिया था, एक इनिशिएटिव उठाया, स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया गवादर को, तो इसका जो फायदा है वो इन्वेस्टर्स को पहुंचा? अच्छा देखिए, सबसे पहले ये जो स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया ना, ये सूबाई गवर्नमेंट की जानिब से किया गया, लेकिन इसमें डेफिनेटली विफाक का भी एक रोल था और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था हमें उससे। इसमें अभी तक इन्वेस्टर इससे फ़ायदा इसलिए नहीं उठा सका कि इसका नोटिफिकेशन हो गया, गैजेटेड नोटिफिकेशन इसका हो गया, कैबिनेट से अप्रूवल हो गई थी सूबाई कैबिनेट से, लेकिन इसके जो सूबाई सतह पे जो इसके जो इम्प्लीमेंटेशन था, जो इसके TORs बनने थे, वो अभी तक नहीं बन सके। और एक साल से ज़्यादा हो गया, एक साल से ज़्यादा अर्सा हो गया, उसमें जाहिर सी बात है बीच में दरमियान में इलेक्शन का कुछ मामला थे जिसकी वजह से ये डिले है। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि ये जो सेटअप अब जो है परमानेंट सेटअप आ गया, गवर्नमेंट बन गई है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द पीडीएम गवर्नमेंट के ये आखिरी दिनों में, ये आखिरी दिनों में हुआ था, जून में हुआ था, ये जून 23 में इसको किया गया। अब उन्हीं की गवर्नमेंट की रिपीटेशन है, तो ये 3 माह भी गुजार चुके हैं, इसमें अभी कोई एक्टिविटी, कोई पेशकश? एक्चुअली गवर्नमेंट बनने के बाद रमजान के मामला थे, उसके बाद से जो है वो थोड़ी सी इकोनॉमिकल जो मुश्किलात हैं गवर्नमेंट को दरपेश, उन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, तो हमने भी रابطے दोबारा से शुरू किए हैं, तो इंशाल्लाह देखें कि जब ये TORs फाइनल हो जाएंगे और जब ये इंप्लीमेंट भी हो जाएगा, तो उसके बाद फिर क्या फायदा आप लोग? उसके बाद यही ना, मैंने जैसे कि जिक्र किया था कि हमने दुबई बता के गवादर लॉन्च किया था, और दुबई में सबसे पहले जो इन्वेस्टर्स को मिला था वो टैक्स एग्जेम्पशन मिला था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी। अभी भी वहाँ पर इस वक्त जो जीडा है उसमें 4 इंडस्ट्रीज लग रही हैं, चाइनीज फ्री जोन जो है उसके अंदर भी इंडस्ट्रीज लग रही हैं काफ़ी सारी, लेकिन एक आम इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि जाना चाहता है, गवादर मूव करना चाहता है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहा कि अगर के वो गवादर मूव करता है तो उसको वहाँ पे एग्जेम्पशंस क्या मिलती हैं, उसको अगर वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोई कंपनी बनाना चाहता है तो उसको किस किस्म की गवर्नमेंट के साथ जो है वो एग्जेम्पशंस मिलती हैं ताकि जो उसका बेनिफिट है वो बेहतर हो। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो बेहतरी होगी ना, जो गवादर के लोकल है ना, जो बेचारे महरूमी का शिकार हैं, जिनको रोज़गार के मसाइल हैं, अगर हम स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाते हैं और वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होती है, तो वहाँ जो नॉन स्किल्ड लेबर है या जो स्किल्ड लेबर भी है, जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, उनको रोज़गार के मौके ना बड़ी आसानी से प्राइवेट सेक्टर में मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। क्योंकि आपको भी मालूम है जैसा कि अगर एक छोटी सी भी इंडस्ट्री लगती है तो उसमें सैकड़ों की तादाद में एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट होती है, एम्प्लॉयमेंट की, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। मैं बल्कि आपके चैनल के तवस्सुत से ये गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट के मामलात को ज़रा थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे देखा जाए, ताकि जो है वो इकोनॉमिकल मामलात मुल्क के भी बेहतर हों और वहाँ के जो लोकल हैं उनके भी बेहतर हों, और एक इन्वेस्टर का जो एतमाद थोड़ा सा जो इस वक्त पॉज हुआ है वो बहाल होना चाहिए। और इसमें जो डिले आ रहा है उसकी वजह से डेवलपमेंट में भी फिर बिल्कुल डेवलपमेंट में ताखीर है, उसकी वजह से जाहिर सी बात है कि बहुत सारे रोड्स ऐसे हैं जो अभी तक नहीं बने रिगार्डिंग फंड, और इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है, पानी की जो सप्लाई है, वो थोड़ी सी रुकी हुई है। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो प्राइवेट सेक्टर भी अपना रोल प्ले करके गवर्नमेंट के साथ बहुत सारी चीज़ों को बनाने में गवर्नमेंट का हाथ जरूर बटाएगा इंशाल्लाह। अच्छा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।